Audio Jungle. कटनी जिले के नीमखेड़ा में रहने वाली एक बुजुर्ग दंपत्ति ने थाना प्रभारी से परेशान होकर मुख्यमंत्री कमलनाथ से मदद की गुहार लगाई है। इसके बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिला तो सीएम कमलनाथ के बंगले के बाहर आत्महत्या करने की बात कही है। पूरा मामला कटनी जिले के बोहरी बंद के नीम खेड़ा का है, जहां पर बुजुर्ग मनीराम रजक ने गांव के दबंग को बिजली चोरी करने से मना किया तो उसके गुंडे सोनू, संतोष और किशोरी लाल ने मिलकर मनीराम रजक के परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें बेटे दुर्गेश रजक को काफी चोटें आई हैं, जिसकी शिकायत करने बोहरी बंद थाने पहुंचे, जहां पर थाना प्रभारी ने बुजुर्ग दंपत्ति की मदद करने के बजाय गाली गलौज कर भगा दिया। दबंग का कहर और पुलिस कार्यप्रणाली से आहत होकर बुजुर्ग दंपत्ति ने मदद के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ से गुहार लगाएंगे। इसके बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिला तो 22 जून को मुख्यमंत्री के बंगले के सामने अपनी जान दे देंगे। हम यहाँ आए थे कलेक्ट्रेट कि अपने रिपोर्ट माँ हमारी कोई सुनाई करे, तो अंधे के कारण हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। रिपोर्ट करने गए, हमको TI ने कह दिया कि क्या तेरा बच्चा मर गया रे, तो हमने उससे फिर कोई दो बात नहीं कर सके, अपना कस मोहल्ले चले आए हैं। और यहाँ तक कि मारपीट भाई कि हमारे लड़के की गर्दन फूली हुई है, घींच सामू नहीं हो रही, हो सकता है कि वो बचने वाली संभावना नहीं है। तो हम भी सोचते हैं कि हम भी जाते हैं भोपाल कमलनाथ के यहाँ उसके बंगले के सामने अपनी आत्महत्या कर लें। बहरहाल देखना होगा कि प्रदेश के मुखिया कमलनाथ बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय दिला पाते हैं या नहीं, लेकिन एक बार फिर दबंगों के आगे पुलिस नतमस्तक होती नजर आई। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट।